तो गाइस आज की स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह हम एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं विद लोगो डिजाइनिंग और कम्प्लीटली ये साइट टोटली फ्री है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको लेटेस्ट पोस्ट देखने को मिलेंगी, आप लोग अपनी पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप लोगों को डिफरेंट एफिलिएट बैनर्स राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे देखने को मिल जाते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर सबसे मज़े की बात, आप लोगों के लिंक्स मेन्यू हैं, आप लोग उनके मेन्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, सब मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, अपने सोशल लिंक्स आप लोग लगा सकते हैं, उसके अलावा आप लोगों के एफिलिएट बैनर्स आ सकते हैं, आप लोग अपनी यूट्यूब वीडियोज़ फेसबुक पेज यहाँ पर शो करवा सकते हैं, आप लोगों को डिफरेंट पेजेस, आप लोग कॉन्टेक्ट अस का पेज बना सकते हैं, अबाउट अस का पेज बना सकते हैं, और ये कंप्लीट एक वर्किंग वेबसाइट है जो कि आप लोग होस्ट कर सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को एक रुपीस का भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और ये साइट आप लोगों के सामने मौजूद है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई है, और इसके हम किस तरह बनाते हैं, किस तरह डिज़ाइन करते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देंगे तो आप लोग इस तरह की साइट नहीं बना सकेंगे। मज़ीद इसी तरह की एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली अपडेट्स भी मिल सकें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या चीज़ नेक्स्ट डिमांड करते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियोज़ बनाई जाएंगी। सो गाइज, फ्री वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है, और गूगल में आकर अब आप लोगों ने सर्च करना है ब्लॉगर। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि आप लोगों को ब्लॉगर का पता है, बट बिलीव मी, ये जो टेक्निक आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, इट्स समथिंग डिफरेंट। ठीक है, आप लोगों के पास आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, उसके बाद आपने गूगल में सर्च करना है ब्लॉगर, और फर्स्ट वेबसाइट blogger.com के ऊपर आ जाना है, जो कि क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग्स, इट्स ईजी। जब फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो आप लोगों के पास ये स्क्रीन आएगी, आप लोगों यहाँ से क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर देना है। पहला ये जो बटन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये आप लोगों को बोलेगा चूज़ एन अकाउंट, आप यहाँ से अपना अकाउंट चूज़ करें, एंड पासवर्ड अगर मांगता है तो आप लोग पासवर्ड एंटर कर सकते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ से मैं नॉट नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और मे बी ओके। अब ये मुझे क्या बोलेगा, चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये आप लोगों को कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को टाइटल देना है अपने ब्लॉग का, आप लोग जो ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं आप उसका टाइटल यहाँ पर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ, टाइटल देने के बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मुझे URL एक सेलेक्ट करना है। URL क्या होता है, URL आपके ब्लॉग का एड्रेस होता है, जैसे कि मेरे ब्लॉग का एड्रेस है tatsvila.com। ठीक है, ये tatsvila.com एक पेड मतलब डोमेन है, लेकिन अभी के लिए आप जो सेलेक्ट कर सकते हैं एड्रेस, वो एड्रेस होगा .blogspot.com के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर एक एड्रेस सेलेक्ट किया, quickcashway.blogspot.com। ठीक है, आप लोग मतलब जो आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एड्रेस सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप लोगों ने नोट करना है ये ऑप्शन हो, दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, जब तक ये अवेलेबल है तब तक ये आपको मिलेगा, जब ये अनअवेलेबल होगा या रेड होगा तो ये आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया quickcashway.blogspot.com, और इसको मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे कंफर्म योर डिस्प्ले नेम। अब डिस्प्ले नेम क्या है कि जो ऑथर नेम आ रहा होता है आप वो ऑथर नेम यहाँ पर बताएंगे, तो मैं अपना ऑथर नेम यही रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये नेम रख दिया। इवन दो आप नेम चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अपना ही नेम रखें, आप अपने अकॉर्डिंगली नेम यहाँ पर रख सकते हैं, और सिंपली फिनिश के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने फिनिश के ऊपर क्लिक किया, अब मेरा एक कंप्लीट ब्लॉग बन गया। मैं इन दोनों को, ये जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं इनको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखिए मेरे पास कुछ मेन्यू आ रहे हैं जिनके लास्ट में है व्यू ब्लॉग का ऑप्शन। मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए quickcashway.blogspot.com, ये वेबसाइट आप लोगों के पास बनकर आ चुकी है, और ये आप लोगों के पास वेबसाइट है इस टाइम नज़र आ रही है, ये आपका नेम नज़र आ रहा है यहाँ पर। ओके, लेफ्ट साइड पे आपको मज़ीद ऑप्शन नज़र आने लगे, जैसे कि न्यू पोस्ट का,
पोस्ट सारी आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है, जो पोस्ट आप लोगों ने क्रिएट की होंगी। स्टैट्स में आप लोगों के व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, कितने लोगों ने फॉलो किए, कितनी पोस्ट हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने व्यूज़ आ चुके हैं डेली बेसिस पे। कमेंट्स के अंदर आपको सारे कमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। अर्निंग के अंदर आप जब आपकी साइट जो से स्टार्ट हो जाएगी, आप एडसेंस के ऊपर अकाउंट बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। पेजेस के अंदर आप डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं। लेआउट के अंदर आपकी सारी साइट का थीम की लेआउट आ रही होती है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं। थीम के अंदर आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट थीम्स देखने को मिल जाते हैं, और उसके अलावा कुछ कस्टम थीम्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। देन सेटिंग्स के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ये इसका टाइटल आ रहा है, ये यहाँ पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ से आप लोग चेंज करना चाहें तो आप लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको इंग्लिश इंटरनेशनल के ऊपर सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, अडल्ट कंटेंट को आपने जो है नहीं ढेरना, ये आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है। एंड यहाँ से आप फेविकॉन, ये जो आपका ब्लॉगर का साइन आ रहा है, ये फेविकॉन होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। प्राइवेसी के ऑप्शन में आए तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सर्च इंजन को आपका ब्लॉग नज़र आए कि ना आए। पब्लिशिंग में आए तो ये आपके ब्लॉग का एड्रेस सेट कम्प्लीट, इसको आप कस्टम डोमेन में भी कर सकते हैं। अगर आप कस्टम डोमेन में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप लोग यहाँ पर एक कस्टम डोमेन लगा सकते हैं, या फिर आप बाय डोमेन के ऊपर क्लिक करके एक डोमेन भी डायरेक्टली यहां से बाय कर सकते हैं। इफ़ यू हैव कैश, इफ यू हैव बैलेंस इन योर अकाउंट, तो आप लोग यहां से डायरेक्टली जो सा है एक डोमेन भी बाय कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ हमें इसकी जरूरत नहीं है, बैक चलते हैं। ठीक है, HTTPS रिडायरेक्ट को आपने ओके रखना है। ठीक है, परमिशन यहाँ पर एडमिन और ऑथर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो मज़ीद एडमिन आप लोगों ने ऐड करने हैं। रीडर एसेस को आपने पब्लिक रखना है या फिर प्राइवेट टू ऑथर रखना है या कस्टम रीडर्स के ऊपर रखना है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, एंड एवरीथिंग नीचे हम आ रही है, जिनको हम बाद में डिटेल से कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेटिंग के अंदर टाइम जोन के अंदर चलते हैं, और टाइम जोन मैं अपने अकॉर्डिंगली कर लेता हूँ, जो कि है 5 पाकिस्तान का टाइम मैंने सेलेक्ट किया और सेव कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में बैठा हूँ। ये आप लोगों ने कर लेना, बाकी यहाँ से चीज़ें आप जिस तरह करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, मेटा टैग्स को अभी हम नहीं छेड़े, ये बाद में हम देखेंगे। एरर एंड रीडायरेक्ट्स कस्टम 404 कस्टम रीडायरेक्ट्स भी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, और रीडिंग लिस्ट के अंदर आपको कुछ रीडिंग मिल जाती हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं। ओके, अब मैं यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट साइड पे ऊपर ऑप्शन देखे तो यहाँ पर आ रहा है क्विक वे टू मेक मनी ऑनलाइन, ये आपके ब्लॉग का टाइटल आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन आ रहा है न्यू ब्लॉग का, मतलब आप एक ही अकाउंट के अंदर रहते हुए बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स भी बना सकते हैं, अनलिमिटेड ब्लॉग्स बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, आप उनकी सेटिंग्स अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सेम वही चीज़, चूज़ अ नेम, आप पहले नेम चूज़ करेंगे एंड नेक्स्ट करने के बाद URL, फिर ऑथर, एंड वो आपका सारा यहाँ पर चलने लग जाएगा। ठीक है, ये हमारे ब्लॉगर का डैशबोर्ड हो गया, ये फ्रंट एंड हो गया, ये बैक एंड हो गया। तो अब हम चलते हैं थीम इंस्टॉलेशन की तरफ। सो गाइज, अब थीम को हमने कस्टम थीम इंस्टॉल करना है, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों ने एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप लोगों ने थीम के ऊपर आ जाना है। थीम के ऊपर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइज, इसके साथ छोटा सा एरो की बना हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं इसको रीस्टोर करूँगा। ठीक है, रीस्टोर के ऊपर क्लिक किया, यू कैन अपलोड अ थीम फ्रॉम अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर, तो मैं इसको डायरेक्टली अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा, और जहाँ पर मैंने अपनी फाइल को डाउनलोड किया वहाँ पर एक्सेस करूँगा। आप लोगों के पास इस तरह का फोल्डर आ चुका होगा, जिप से आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को ये पोलर फ्री वर्जन 1.0, ठीक है, आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। XML डॉक्यूमेंट फाइल है, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। यहाँ पर रीस्टोरिंग थीम का ऑप्शन आ रहा है, तो अब हम वेट करते हैं कि ये रीस्टोर हो जाए। ओके, थीम रीस्टोर हो चुका है, और यहाँ पर देखिए द प्रीव्यू इज करंटली अनअवेबल, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना है। अब आप लोगों का थीम टोटली चेंज हो गया, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मेरी पहले साइट थी, मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हे वी को हमारी साइट कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पर देखिए काफ़ी आप लोगों को ऑप्शंस नज़र भी आ रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली हम इनको चेंज भी करेंगे।
यहाँ से मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, बैकग्राउंड में यहाँ पे लेआउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास अभी तक यहाँ पर जो लेआउट आ रही है वो देखें आप, ये न्यू वाली जो हमारे पास लेआउट आ चुकी है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि ये लेआउट के अंदर हमारे पास ये जो ऊपर लोगो आ रहा है, हम इस लोगो को चेंज करेंगे। तो आपने जो फोल्डर डाउनलोड किया है, हम उस फोल्डर के अंदर चलते हैं। इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर देखिए लोगो फाइल आप लोगों को नज़र आ रही होगी, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करना है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं डिटेल्स के अंदर। डिटेल्स के अंदर जाने के बाद ये मुझे डायमेंशन यहाँ पर शो करवाएगा 176 × 50। तो अब हम इस डायमेंशन का एक लोगो बनाएंगे। तो चलते हैं, लोगो बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कैनवा, और प्रीमियम कैनवा के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप कैनवा का प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं जी, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एक लोगो बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, और अब मुझे एक कस्टम साइज़ चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कस्टम साइज़ आ गया, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ 176 × 50। ठीक है, 176 × 50 पिक्सल का रख के मैंने क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया तो अब मुझे कैनवा पहले तो सजेस्ट करेगा इसके रिगार्डिंग कुछ डिज़ाइंस, वो यहाँ पर मुझे देखें कुछ इसने डिज़ाइन शो करवा दिया। लेकिन जारी बात है, मुझे इनमें से कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए, मैं अपना कस्टम बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अच्छा सा टेक्स्ट स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने ब्लॉग का नेम उसके अंदर लिखना है क्विक कैश वे। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ क्विक कैश वे, ठीक है, और नीचे वाले को मैं पकड़ के डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब इसका मैं साइज़ छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, लेट्स सपोज 11 करते हैं, 8 कर लेते हैं। ठीक है, 8 में ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्विक कैश वे आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, एंड ओके, इसको रखते हैं यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, और यहाँ से मैं चलता हूँ एलिमेंट्स के अंदर और कैश को सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कैश के रिगार्डिंग चाहिए। तो ये वाला एलिमेंट कैसा रहेगा, ओके, लाइक इट्स समथिंग के ये यहाँ पर शो करवा रहा है, क्विक कैश वे का आइकॉन भी यहाँ पर आ रहा है। एंड एक टेक्स्ट के अंदर चल के मैं एक इसके अंदर सब हेडिंग ऐड कर लेता हूँ, क्विक वे टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, ये मेरी टैगलाइन आ गई, ओके, इसको भी बड़ा कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, अब ये एक किस्म का मेरा लोगो बन गया, मुझे यही लोगो चाहिए, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, पीएनजी फॉर्मेट में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा डाउनलोड होने लग गया क्विक कैश वे के नाम से, मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को। अब ये लोगो मुझे यहाँ पे अपलोड करना है, तो इसको लोगो को अपलोड करने के लिए मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, लेआउट्स में आ गया। यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक सेक्शन मिल रहा है हेडर लोगो, इसके ऊपर यहाँ पर ये देखिए पेंसिल का साइन बना हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये आप लोगों के पास ओपन होकर आ चुका है। अब मैं इसको ज़रा सा एडिट करता हूँ, यहाँ पे आपका ब्लॉग टाइटल डिस्क्रिप्शन को मैं छोड़ रहा हूँ, नीचे आते हैं, यहाँ पर इमेज आ रही है अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं ब्राउज करके इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, पिक्चर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आ रहा है इमेज प्लेसमेंट, इसको आपने इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, ओके, आप लोगों ने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नीचे आप लोगों को फुल नीचे एक प्रीव्यू का बटन मिल रहा है और एक सेव का बटन मिल रहा है, आप लोगों ने यहाँ से भी इसको सेव लाजमी करना है। जब ये सेव्ड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सेविंग आ रहा है, ठीक है, ये सेविंग वाला ऑप्शन जब ख़त्म हो जाएगा, अब आपकी चेंजिंग सेव हो गई है। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ
तो ये देखिए क्विक कैशवे के नाम से आपका लोगो यहाँ पर आ चुका है, आप लोगों का लोगो यहाँ पर लग चुका है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे यहाँ पर पहले फेविकॉन को ऐड करना है, तो फेविकॉन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ही वापस चलता हूँ। ये वाला कैश का आइकॉन है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन कैनवा के अंदर ही मैं एक कस्टम साइज़ ले रहा हूँ जो कि है 200x200, मतलब स्क्वेयर एक मुझे लेना है 200x200 का। मैंने एक क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया, ये वाला जो आइकॉन है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर ला कर मैं पेस्ट कर दूँगा। सिंपल, ठीक है। और इसको मैं बड़ा कर लूँगा क्योंकि यही मुझे फेविकॉन भी लगाना है, और सेंटर में ले आऊँगा। ठीक है, सेंटर में आ गया, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। डाउनलोड ट्रांसपेरेंट नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट कर भी लें तो ठीक है। यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया ये। अब मैं फेविकॉन लगाने के लिए सेटिंग्स के अंदर जाऊँगा, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। ठीक है, सेटिंग के अंदर यहाँ पर आपको फेविकॉन का ऑप्शन मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आप लोगों को बोलेगा कि ब्राउज़ कर सकते हैं। मैं इसको ब्राउज़ करता हूँ, 100 KB से कम होना चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपका फेविकॉन यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़े से टाइम के बाद ये अपडेट यहाँ पर हो जाएगा। आप लोगों ने फेविकॉन यहाँ पर अपडेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन अपनी ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन जो सी आप 500 वर्ड्स तक यहाँ पर लिख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि 120 कैरेक्टर्स के अंदर आप अपनी पूरी की पूरी साइट को डिस्क्राइब करेंगे कि क्या है आपकी साइट। सो गाइज, अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पर एक पोस्ट करने हैं। ठीक है, पोस्ट करने के लिए हम ब्लॉगर के डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं। यहाँ से मैं आ जाता हूँ पोस्ट के अंदर। ठीक है, तो पोस्ट के अंदर आने के बाद ये मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड पे, सॉरी मेरे पास यहाँ पर न्यू पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक न्यू पोस्ट का टैब ओपन हो चुका है। ठीक है, ये न्यू पोस्ट का जो सारे का सारा टैब है अब आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पर आप लोग टाइटल लिख सकते हैं, नीचे आपकी ये सारी पोस्ट आ जाएगी, राइट साइड पर पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर अपनी एक पोस्ट लिखते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पर मैंने एक टाइटल लिख लिया, एडवांटेजेस टू मेकिंग योर ओन यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, और यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर लिया एक आर्टिकल, कंप्लीट एक आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इस आर्टिकल को एक प्रॉपर शेप देने के लिए, प्रॉपर चीज़ें यूज़ करने के लिए आप यहाँ से ऑप्शन डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग इसको HTML व्यू के अंदर लेकर जा सकते हैं, ये आपको बताएगा कि यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं। बाकी इसको कंपोज व्यू के अंदर लेकर आए तो सिंपल आप लोगों को नजर आएगा। लेट्स सपोज इसको मैंने फ़ॉन्ट टाइप का देना है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज इसका फ़ॉन्ट टाइप चेंज करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट टाइप्स देखने को मिल जाएंगे, आप कर सकते हैं या फिर ऐड मोर फ़ॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करके आप लोग मज़ीद यहाँ से फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी साइट के अंदर। इट्स टोटली अप टू यू, मैं इसको बाई डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। यहाँ से आप लोगों को फ़ॉन्ट साइज देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास फ़ॉन्ट साइज आ रहे हैं, मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको लार्जेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लार्जेस्ट हो गया। अनडू कर देता हूँ कि मुझे ये चेंजिंग्स नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप पैराग्राफ और हेडिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर एक हेडिंग देनी है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहता हूँ। This is my first heading. Okay, अब मुझे यहाँ पे इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी एक हेडिंग होगी, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ हेडिंग के अंदर। मैंने यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट किया तो ये हेडिंग के अंदर हो गया। सब हेडिंग, माइनर हेडिंग आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। बोल्ड करना है, टैलिक करना है, अंडरलाइन करना है या स्ट्राइक थ्रू करना है, सारे ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहे हैं। किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, लेट्स सपोज मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको रेड कलर दे सकता हूँ। ठीक है, कुछ मुझे टेक्स्ट हाईलाइट करना है, लेट्स सपोज मुझे ये इतना टेक्स्ट जो सा है ये हाईलाइट करना है तो मेरे पास ये हाईलाइट का ऑप्शन मौजूद है, मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। ठीक है, अंदर मुझे किसी जगह पे कोई लिंक वगैरह ऐड करना है, लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पे ऐड करना है गो टू
YouTube Now, ठीक है, ये एक लिंक है, मैं इसको सेंटर अलाइन पर लेकर लेता हूँ। यहाँ से आप लोग इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इनको मज़ीद ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ से बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट ऐड कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी बता रहा था लिंक का। तो यहाँ से आप लोग ये इंसर्ट और एडिट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग अपना लिंक पेस्ट करेंगे। तो लेट्स सपोज मैं youtube.com को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि आप इसको न्यू विंडो में ओपन करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें रियल नो फॉलो एट्रीब्यूट लगाना चाहते हैं, ये आप लोगों की चॉइस है। आप लोग इसको अप्लाई कर देंगे। अब इसके ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर आपका लिंक लग चुका है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है कि लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर एक पिक्चर इम्पोर्ट करनी है, तो मैं उस पिक्चर को यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। इसके ऊपर भी बात करते हैं, वीडियो को इंपोर्ट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं या यूट्यूब के वीडियो को भी एम्बेड यहाँ पर कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। इमोजीज वगैरह कुछ लगाने हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट इमोजीज देखने को मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये वाला इमोजी मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ये इमोजी यहाँ पर लग जाएगा जहाँ पर आपका टेक्स्ट वगैरह होगा, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लाइन है, एक कोट्स है, मुझे उसको कोट के अंदर शो करवाना है कि ये वाली जो मेरी लाइन है मुझे इसको कोट के अंदर शो करवाना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं कोट्स के अंदर इसको लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। और जंप ब्रेक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लाइन, ये सारे ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मज़ीद कुछ चेंजिंग देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अब राइट साइड पे हमें कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें लेबल सबसे पहला ऑप्शन है। लेबल बेसिकली जैसे कि वर्डप्रेस के अंदर टैग्स होते हैं या फिर कैटेगरीज होती हैं, उस तरह लेबल्स यहाँ पर ब्लॉगर के अंदर काम करता है। तो आप इसको एक कैटेगरी दे रहे हैं क्योंकि अभी हमने कोई कैटेगरी जनरेट नहीं की, तो मैं इसको एक कैटेगरी दे देता हूँ यूट्यूब, ठीक है। YouTube की कैटेगरी हमने यहाँ पर दे दी। अब ये आप लोगों की चॉइस है कि आप कैपिटल वर्ड्स में देना चाहते हैं, स्मॉल लेटर्स में देना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो मैं इसको स्मॉल लेटर्स में देता हूँ YouTube, YouTube देख के मैंने एंटर कर देता हूँ या फिर ओके कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका पब्लिश ऑन की डेट आ रही है कि ये कब पब्लिश होगा। नीचे परमा लिंक आ रहा है कि आपका लिंक जो है वो किस तरह जनरेट होकर आएगा, ठीक है। तो आपका लिंक ये होगा इस पोस्ट का, आप लोग इसको कस्टम परमा लिंक के ऊपर भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन मैं इसको यही रहने देता हूँ। लोकेशन ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। उसके बाद आप सिंपली इसको पब्लिश कर देंगे, कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आपकी ये वीडियो पब्लिश, ये सॉरी आर्टिकल पब्लिश हो गया। मैं अगर यहाँ पर आकर अपनी साइट को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एडवांटेज टू मेक योर ओन यूट्यूब वीडियोस का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये आपकी कंप्लीट की कंप्लीट, ये आपकी फ़र्स्ट हेडिंग आ रही है, वो रेड कलर का टेक्स्ट भी आ रहा है यहाँ पर, ये हाईलाइटेड टेक्स्ट है, इसके अंदर आप लोगों को लिंक देखने को मिल जाता है। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यूट्यूब के ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है। और ये आपका एक और आर्टिकल, ये आप लोगों का कोड टेक्स्ट आ रहा है जो आप लोगों ने कोड किया होगा, और यहाँ पर नीचे आपकी डिटेल्स आ रही है और नीचे ये आपकी लेबल आ रही है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। राइट साइड पर भी पॉपुलर पोस्ट के अंदर ये चीज़ आ चुकी है, और यहाँ पर आपको कैटेगरीज के अंदर कुछ भी अभी डाटा नहीं शो रहा, लेकिन हम यहाँ पर भी डाटा शो करवाएंगे। लेबल्स के अंदर आपको यूट्यूब की लेबल नज़र आ रही है जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये देखिए इसके अंदर हमारी ये वाली पोस्ट भी नज़र आ रही है। दैट्स मीन कि हमारा सारा प्रॉपर इस टाइम साइट वर्क कर रही है, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई पिक्चर वगैरह नहीं आ रही। तो अब हम पिक्चर को देखते हैं कि हम इसके अंदर पिक्चर किस तरह, ये जो हमारी फीचर्ड इमेज है हम इसको किस तरह शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं unsplash.com के ऊपर, ओके, unsplash.com के ऊपर आ जाता हूँ, और जो मेरी इस पोस्ट है मैं इसको एडिट करना है, ठीक है। एडिट करने के लिए मुझे यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे अप्लाई लेबल है, ये डिलीट का है, और ये रिवर्ट टू ड्राफ्ट का ऑप्शन है, लेकिन मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं इसकी एडिटिंग सेटिंग्स के अंदर चला जाऊँगा। अब ब्लॉगर के अंदर अगर आप जो फर्स्ट पिक्चर अपलोड करेंगे वो पिक्चर आप लोगों की एज अ कंसिडर होगी कि यही पिक्चर जो थी आपकी फीचर्ड इमेज है। तो अब हम फीचर्ड इमेज को अपलोड करने के लिए यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ YouTube वीडियोज़ का
टैग यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप डिफरेंट आप लोगों के पास पिक्चर्स आ रही हैं, तो मैं ये वाली पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड फ्री के ऊपर क्लिक करते हैं, ये पिक्चर मेरे पास सेव हो जाएगी। इसको मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे। अपलोड करने के लिए ये देखिए इंसर्ट मीडिया का ऑप्शन मौजूद है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये जो मेरी पिक्चर डाउनलोड हुई है इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक किया एंड ये मैंने सेलेक्ट कर ली, ये अब अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप बाकी भी मीडिया ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बाकी मीडिया ऐड नहीं कर सकते। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे इमेज साइज़ आप लोगों ने क्या रखना है, उसकी सेटिंग्स एंड सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं इसको अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने अपडेट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखिएगा मेरे पास वो पिक्चर शो होने लग जाएगी। ये देखिए जी, आपकी पिक्चर आ गई। अब ये मेरी पिक्चर यहाँ पर भी नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे शो करवाना चाहते हैं। ओके, अब गाइस बात करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर एक फीचर्ड ई पोस्ट ऐड करनी है। ये हमारे पास डिफरेंट पोस्ट आ रही है, लेटेस्ट पोस्ट जितनी भी हमारी होंगी वो सारी यहाँ पर नज़र आती रहेंगी। तो अभी हमें यहाँ पर एक फीचर्ड पोस्ट ऐड करनी है, एक फीचर्ड पोस्ट ऐड करनी है जो कि इन सब में से प्रोमिनेंट नज़र आए। तो उसके लिए हम ब्लॉग पोस्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ से हम चले जाएंगे लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है फीचर्ड पोस्ट का सेक्शन। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा फीचर्ड पोस्ट का सेक्शन, इसके अंदर फीचर्ड पोस्ट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसको मैं एडिट करता हूँ। जैसे ही मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है कि आप लोग इसका टाइटल क्या रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फीचर्ड पोस्ट इसका टाइटल रखना चाहता हूँ, या मैं इसको कह देता हूँ पोस्ट ऑफ द या आर्टिकल ऑफ द वीक, कि एक वीक के बाद मैं इसको चेंज कर दिया करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर शो करवाना चाहता हूँ वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास एक ऑप्शन है यूज़ मोस्ट रिसेंट पोस्ट, कि आप लोगों की जो रिसेंट पोस्ट होगी वो फीचर्ड पोस्ट हो जाएगी। लेकिन ये ऑप्शन ना भी यूज़ करें तो कोई ऑप्शन नहीं। नीचे आप लोगों को सारी पोस्ट नज़र आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग वाली जो पोस्ट है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कि ये पोस्ट जो सी है ये मेरी फीचर्ड पोस्ट के अंदर आएगी। मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से दोबारा सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके सेव होने का वेट करते हैं कि ये सेव हो जाए, ताकि वो फीचर्ड पोस्ट मुझे जो सी है वहाँ पर नज़र आने लग जाए। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऊपर फीचर्ड पोस्ट नज़र आएगी। ये पोस्ट जब मेरी एडिट होगी मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग मेरे पास यहाँ पर फीचर्ड की शेप में नज़र आ रही है, कंटिन्यू रीडिंग आ रहा है और नीचे फिर सारी मेरी जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर अलग से नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं। अब गाइज हमने यहाँ पर ऊपर ये जो लिंक्स आ रहे हैं इन लिंक्स को या इन मेन्यू को हमने एडिट करना है, तो उसके लिए वापस से हम डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं, लेआउट्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मेन मेन्यू का ऑप्शन मिल रहा है जिसके अंदर ऑप्शन है लिंक लिस्ट का। ठीक है, आप लोग यहाँ पर अपनी लिंक लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपको लिंक लिस्ट को एडिट करने का ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने नीचे आना है। यहाँ पर ऑप्शन डू नॉट सॉर्ट का, इन सारी चीज़ों को आप लोग छोड़। ठीक है, ये देखिए जी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ये आप लोग ड्रॉप डाउन शो करवाने के लिए आप लोगों को ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली चीज़ आप लोगों को मैं अब बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। ये इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए, हम अपने ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं डू नॉट शॉर्ट का ऑप्शन को ऐड करता हूँ, ऐड अ न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले जो हमारी आइटम होगी वो होगी होम। ठीक है, हमने होम टैब को यूज़ करना है और इसके अंदर मैं सिंपल स्लैश ऐड कर दूंगा। सिंपल स्लैश से क्या मुराद है कि ये यही लिंक को ओपन करेगा। ठीक है, होम ऐड हो गया, ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर मैं अपनी लेबल ऐड करूंगा। कौन से लेबल ऐड करूंगा, तो मेरे पास यहां पर लेबल्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एरर्स और यूट्यूब। तो पहले मैं यूट्यूब वाली को ऐड करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से इतना ऐड, ठीक है, सर्च लेबल यूट्यूब, सर्च स्लैश लेबल स्लैश यूट्यूब, यहाँ तक मैं लिंक को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और इस लिंक को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूट्यूब और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मेरा यूट्यूब का लिंक सेव हो गया। एड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ। यूट्यूब के बाद मुझे करना है यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग या ब्लॉगिंग को करना है। ठीक है, ब्लॉगिंग वाले को कॉपी कर लेते हैं, इसको भी मैं यहाँ पर ले आता हूँ।
ब्लॉगिंग, और मैं इसको यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ब्लॉगिंग भी आ गया, ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ। ब्लॉगिंग के बाद मुझे ऐड करना है एफिलिएट मार्केटिंग को, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग आ गया, सेव कर देता हूँ। ऐड न्यू आइटम दोबारा से लास्ट वाला मैं ऐड करता हूँ, यहाँ से एरर्स वाला। एंड ये एरर्स वाला आ गया, ठीक है, ओके। इसको मैंने यहाँ पे रखा और सेव कर दिया। अब मैं इन सबको सेव कर देता हूँ यहाँ से दोबारा। दो दफ़ा सेव हो गया, थर्ड टाइम आप लोगों ने यहाँ से भी सेव करना है, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। अब सेविंग का ये जो ऑप्शन है, जब ये जाएगा उसके बाद हम जाकर वहाँ पर मेन्यू अपना चेक करेंगे, ठीक है। सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेन्यू आ रहे हैं, होम फीचर डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड दिस टेम्पलेट। मैं इसको होम पेज को अभी ओपन करता हूँ फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे देखिए आपका मेन्यू अपडेट हो गया, होम, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और एरर्स। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो देखिए आप लोगों के पास वो लिंक ओपन हो जाएगा, वो डायरेक्टली आप लोग, ठीक है, देख सकते हैं। होम के ऊपर आप डायरेक्टली अपने होम पेज के ऊपर आ जाएंगे, एरर्स के ऊपर आप लोग एरर्स के ऊपर आ जाएंगे, या आप लोगों की कैटेगरीज यहाँ पर ओपन हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक सब मेन्यू की एग्जांपल लेनी है, मेन्यू का सब मेन्यू बनाना है। तो यहाँ पर चलते हैं, पहले मैं एक मेन्यू ऐड करता हूँ, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इसका नाम दे देते हैं। और इसके अंदर मैं लिंक रखता हूँ सर्च लेबल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया कि ये डिजिटल मार्केटिंग वाला जो है ये वाला आ गया। इसको इसके सब मेन्यू में मैंने ये एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग को रखना है, दोनों को मैंने रखना है। जस्ट टू शो यू, मैं इसके नीचे लेकर आता हूँ, पहले ब्लॉगिंग को यहाँ से हम लोग नीचे करते हैं, ओके। ये डिजिटल मार्केटिंग से नीचे आ चुका है, ठीक है। सेम इसी तरह एफिलिएट मार्केटिंग को भी हम नीचे लेकर आते हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग से एफिलिएट मार्केटिंग नीचे आ गए, इसको मैं एडिट करता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग के स्टार्ट के मैं ये सिर्फ साइन ऐड कर दूंगा और सेव कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे इसको दोबारा सेव कर देना है और सेव कर देना है। डैट्स मीन कि ये अब हमारा सब मेन्यू यहाँ पर बन जाएगा। ये सेव हो गया, इसको मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग के साथ एक छोटा सा एरो बन गया, मैं अगर उसके ऊपर जाता हूँ तो नीचे मुझे एफिलिएट मार्केटिंग का साइन नज़र आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, इन केस यू वांट तो आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। राइट नाउ मेरे पास ये चीज़ें भी हो गई, आप लोगों को पता लग गया कि आप लोग मेन्यू किस तरह बना सकते हैं, सब मेन्यू किस तरह ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये हमने सोशल लिंक्स अपडेट करने हैं, तो इसके लिए दोबारा से लेआउट के अंदर चलेंगे। यहाँ पर सोशल विजेट का आइकन नज़र आ रहा है, उसके अंदर सोशल प्लगइन्स हैं, मैं इनको एडिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे के सारे प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों को इनमें से जो नहीं चाहिए आप उनको डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर आप रखना भी चाहते हैं तो रख भी सकते हैं, लेकिन अभी मैं इनको एडिट करता हूँ। फेसबुक के ऊपर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना लिंक ऐड कर दूँगा, ठीक है, टट्सविला, ठीक है। इसी तरह ट्विटर वाले के अंदर भी मैं अपना लिंक ऐड कर दूंगा, ओके। सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, लिंक्डइन ऐड कर सकते हैं, रेडिट, वीके, इंस्टाग्राम को भी मैं एडिट कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं अपना ऐड कर देता हूँ, ओके। यूट्यूब के ऊपर आप लोग अपना ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ youtube.com/tatsvila, ओके। एंड व्हाट्सएप नंबर ऐड करना है या जो भी ऐड करना है, बाकी जो आपको नहीं चाहिए आप वो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, जो मुझे जिनके अंदर मैंने लिंक को नहीं ऐड किया मैं उनको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेव करता हूँ, 1, 2, 3, 4 आइटम्स रह गई हैं, इनको दोबारा से सेव करके देख लेते हैं वहाँ पर। यहाँ पर आकर मैं अब अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ वही 4 आइकॉन नज़र आएंगे जो आपने लिंक लगाए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए जी, आप लोगों के आइकॉन्स आ चुके हैं और इनके अंदर लिंक्स मेरे लगे हुए हैं। अगर मैं YouTube के ऊपर क्लिक करता हूं तो सी मेरा चैनल ही यहां पर ओपन होगा, ओके। अब
हमारे ये जो राइट साइड है हम इसको थोड़ा एडिट करते हैं। तो इसको एडिट करने के लिए लेआउट्स में चलते हैं। यहाँ से जो चीज़ें आप लोगों को नहीं चाहिए वो आप लोग यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ये जो फुटर में मेन्यू वगैरह आ रहा है आप ये जो उनसे है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस का ये सेक्शन आ रहा है, इसको भी हम अभी एडिट करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर अभी अपने अबाउट और कॉन्टेक्ट अस का पेज लगाना है। तो लेकिन ये पहले हम राइट साइड वाली चीज़ें चेंज करते हैं। इसके अंदर से ये अबाउट मी का जो सेक्शन है इसको मैं क्लिक करता हूँ और रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, ये जो अबाउट मी का सेक्शन आ रहा है। लेबल्स वाला सेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप रहने दे सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट अब्यूज़ वाले सेक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ। जो सेक्शन मुझे यहाँ से नहीं चाहिए वो मैं यहाँ से ख़त्म करता जाता हूँ। ब्लॉग आर्काइव को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। और ओके, यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक ये फेसबुक का सेक्शन नज़र आ रहा है, हम इसको एडिट करते हैं। पहले फेसबुक के सेक्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही हैं। जस्ट इसके अंदर से आपने यहाँ पर अपना लिंक अपडेट कर देना है, ठीक है। और सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और इसी तरह ये सब्सक्राइब अस का भी बटन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके अंदर एक यहाँ पर देखिए ये जो सोर्स आ रहा है ना, ये आप लोगों की एक वीडियो का सोर्स आ रहा है, आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पे अपने चैनल को ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं टर्सविला, और कोई भी मैं एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज के ये वीडियो है जो कि मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, हाउ टू गेट कैनवा प्रो अकाउंट फ्री। इसको ओपन करता हूँ और ये जी इसकी आईडी आ गई, मैं इस आईडी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल सेव किया और अब मैंने इसको भी सेव कर दिया, ठीक है। ये विजेट्स अपडेट हो गया। अब वो सारे के सारी चीज़ें वही रहेंगी, जस्ट चीज़ें मेरी आ जाएंगी। जैसे कि अभी एक और वीडियो आ रही थी, यहाँ पर वीडियो मेरी आ जाएगी। मैं इसको अपडेट करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए हाउ टू गेट कैनवा प्रो फ्री आ गया। फेसबुक के अंदर भी टर्सविला का पेज आ चुका है, ठीक है। नीचे कैटेगरीज का सेक्शन आ रहा है, इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसको कैटेगरीज को ओपन करते हैं, ठीक है। आप लोग यहां से शो करवा सकते हैं, आप किस तरह करा सकते हैं। मैं यहां पे ऑल लेबल्स को सिलेक्ट कर देता हूं और सेव कर देता हूं। अब मेरी सारी की सारी कैटेगरीज यहां पर नज़र आएंगी। ये देखें जी, कैटेगरीज के अंदर आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहां पे सोशल प्लगइन आ गया, पॉपुलर पोस्ट आ गया, सब्सक्राइबर्स आ गया, फेसबुक आ गया। ये सर्च दिस ब्लॉग का जो सेक्शन है मुझे इसको ऊपर लेकर आना है, तो इसको पकड़ के मैं यहाँ पर ऊपर ले आता हूँ। बाकी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, जैसे ये एट्रीब्यूशन रिमूव, ओके, लेबल्स रिमूव, ओके, एंड सेव कर दिया, ओके। अब ये आपका ब्लॉग अपडेट हो जाएगा एंड ये आप लोगों को कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है कि सबसे ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है सर्च दिस ब्लॉग, ओके, ये ओके। सोशल विजेट्स जो है वो सबसे ऊपर नज़र आएगा, उसके नीचे सर्च दिस ब्लॉग का सेक्शन आ रहा है, उसके नीचे पॉपुलर पोस्ट, सब्सक्राइबर्स, फेसबुक और कैटेगरीज का ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहा है। और यहीं से आप पोस्ट भी कोई ओपन करके देख सकते हैं, उसके अंदर भी यही चीज़ें कुछ इस तरह नज़र आएंगी, ठीक है। हो गया, अब हमने गाइज ये चीज़ें तो हमने ऐड कर ली, राइट साइड बार हमने एडिट कर ली, सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है पेजेस ऐड करना। पेजेस को यहाँ पे हमने फुटर लिंक के अंदर ऐड करना है। अबाउट, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये तीन पेजेस हमने ऐड करने हैं। तो इन तीन पेजेस के लिए अब हम चलते हैं डायरेक्टली ब्लॉगर लेआउट्स के अंदर और पेजेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। पेजेस के अंदर आने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आएगा न्यू पेज का, तो मैं न्यू पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मेरा पेज है अबाउट का, ठीक है। अबाउट लिख के मैं इसको यहाँ पर अपना अबाउट सेक्शन आ जाएगा, तो मैं ये अभी के लिए ये वाला ही पेज जो सा है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा अबाउट का पेज आ गया, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। अबाउट का हमारा पेज पब्लिश हो गया। न्यू पेज के ऊपर क्लिक करते हैं और अब हमने कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना है, तो इसका मैं टाइटल दूंगा कॉन्टैक्ट का, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज हमें चाहिए। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, आप समझिएगा। मैं इसको यहाँ से ये देखिए HTML व्यू के अंदर जाता हूँ,
सब कुछ यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, बिल्कुल एम्प्टी कर दूंगा। एक कोड मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने वो कोड सारा कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये सारे का सारा कोड आप लोगों का यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब मैं इसको दोबारा से कंपोज व्यू के अंदर आकर देखता हूँ, ठीक है, या फिर इसको कैंसिल करके मैं इसको पहले पब्लिश करता हूँ, कन्फर्म करता हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास ये कॉन्टैक्ट का पेज पब्लिश हो गया, लेकिन अगर मैं इसको व्यू करूँ, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको व्यू करता हूँ, तो ये अभी इस तरह का नज़र आ रहा है और कुछ प्रॉपर भी नहीं है, ये ठीक तरह से आपको नज़र भी नहीं आएगा, ठीक है। एंड इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से एडिट करता हूँ, यहाँ से पेज ऑप्शंस के अंदर जाता हूँ, इसको डू नॉट अलाउ और हाइड एक्सिस्टिंग रीडर कमेंट्स को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये देखिए इसके नीचे कमेंट्स का सेक्शन आ रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। तो ये देखिए, अब इसको प्रॉपर तरीके से शो करवाने के लिए और वर्किंग करवाने के लिए हम लोगों को वापस चलना पड़ेगा। यहाँ से मैं लेआउट्स के अंदर आता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैं ऐड अ गैजेट्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गैजेट्स मिल जाएंगे, तो आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल गया, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर दूंगा, शो दिस विजेट्स को ऑफ करके सेव कर दूंगा, ठीक है। सिंपल ये यहाँ पर सेव हो गया, इसको दोबारा से सेव कर दूंगा। अब के ये अब मेरा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क भी करेगा पेज के अंदर, ठीक है। ये वाला जो पेज है हमारा, इसके अंदर ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से अब वर्किंग है, जो भी चीज़ होगी ये हमारा जो एडमिन है उसको मैसेज जाएगा जी मेल के अंदर। तो लेट्स सपोज के मैं इसको फिल करता हूँ, सी यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, योर मैसेज हैज़ बीन सेंड। अब ये एडमिन को मेल जा चुकी होगी। सो गाइस, यहाँ पर मैंने जीमेल को ओपन किया आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए ब्लॉगर कॉन्टैक्ट फॉर्म की तरफ से मेल आया हुआ है। मैं अगर इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर देखिए वो ऊपर से नेम भी आया हुआ है आपके ब्लॉग का, न्यू मैसेज अराइव, ठीक है, दिस इज़ माई मैसेज टू एडमिन, ये एडमिन है, ठीक है। ये इसका रैंडम नेम और रैंडम नेम @gmail.com मेल भी आया हुआ है, और ये किस जगह से फॉर्म आया है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे लिंक नज़र आ रहा है। दैट्स मीन के अब आप लोगों को यहाँ पे सारे मेल्स रिसीव होंगे जो कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। लास्ट पे हमारे पास बात आ जाती है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी आप लोग बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें बाद की बात है, आप वो बना सकते हैं। इनको अब हमने लिंक करना है। दो पेजेस हमारे आ गए हैं, फुटर मेन्यू के अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए फुटर मेन्यू विजिट्स आ गए, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ पेजेस आ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये पेजेस यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो मैं इनको और डिलीट कर देता हूँ। होम यहाँ पर इसी तरह रहेगा, ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरा पेज जो सा है वो है अबाउट पेज, अबाउट अस का जो पेज है होता है वो है, ठीक है। तो अब इसको शो करवाने के लिए पहले, अच्छा पहले कॉन्टैक्ट का पेज करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लिंक को, blogspot.com contact.html, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट का पेज आ गया, ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसी तरह मैं क्लिक करता हूँ अबाउट अस, और यहाँ पे मैं अबाउट का पेज ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों ने कैसे ओपन करना है कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि आप लोग कैसे ओपन करेंगे, तो ये देखिए मेरे पास अबाउट का पेज ओपन हो गया। मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग कैसे ओपन करेंगे। बहरहाल ये लिंक मैंने यहाँ पे रखा, इसको सेव किया, इसको मैं ओपन ले गया। अब होम अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस भी हो गया, सेव करता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने ये पेज कैसे ओपन करने हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से पेजेस के सेक्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को दोनों पेजेस नज़र आ रहे हैं, इनके आगे ये आई का आइकॉन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग इस आई के आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास दोनों पेजेस ओपन हो जाएंगे, आप इनके लिंक कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ये पेजेस यहाँ पर अपडेट हो गए हैं, तो मैं इधर से रिफ्रेश करके देखता हूँ कि मेरे नीचे ये देखे होम अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, इनके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि हमारी ही साइट के ओपन हो रहे हैं, तो दोनों हमारी साइट के ओपन हो रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोगों की आ गई। दैट्स मीन कि अब आप लोगों का एक प्रॉपर ब्लॉग रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास चीज़ें आ गई। अब लास्ट हमारी ये चीज़ें रह गई हैं, हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी तो लगानी है, एफिलिएट एडवर्टाइजमेंट, तो वो हम कैसे लगाएंगे। सो गाइस, एडवर्टाइजमेंट शो करवाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिव एडवर्टाइजमेंट आ रही है, यहाँ पे मैं राइट साइड पे भी शो करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अपने इम्पैक्ट के अंदर अकाउंट के अंदर चलता हूँ। यहाँ से मैं कॉन्टेंट के अंदर आ जाऊँगा, एड्स एंड लिंक्स का यहाँ पर ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा।
तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट एड्स देखने को मिल जाएंगे। मुझे लेट्स सपोज अभी के लिए मैं नेमचीप के एड्स यहाँ पर लगाना चाहूँ। नेमचीप को मैं सर्च कर लेता हूँ जस्ट। अब नेमचीप के सारे एड्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो ऐड मुझे पसंद आएगा वो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ या वहाँ पर लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ? तो लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पर एड्स चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऐड मुझे लगाना है। तो मुझे यहाँ पर आगे एक ऑप्शन मिल रहा है गेट कोड का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर देखिए नीचे बिल्कुल आप लोगों को HTML के ऊपर जाना है। आप लोगों को HTML का कोड नज़र आ जाएगा। आपने ये कॉपी कोड के ऊपर क्लिक कर लेना है, आपका ये कोड कॉपी हो जाएगा। ये इस तरह का ऐड आप लोगों की वेबसाइट पर नज़र आएगा। तो अब मैं चलता हूँ डायरेक्टली अपने ब्लॉगर के अंदर। यहाँ पे लेआउट्स के अंदर आ गया, यहाँ पे ऐड गैजेट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मुझे HTML जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, टाइटल में ऐड करता हूँ गेट, चलें टाइटल में अभी ऐड कर लेता हूँ। कंटेंट के ऊपर चलते हैं, कंटेंट के अंदर वो कोड पेस्ट किया और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा होगा बाय डोमेन फॉर $99 पर ईयर, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डोमेन्स फॉर जस्ट 99 सेंट्स, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरी टाइटल आ जाएगा और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं रखता हूँ लेट्स सपोज नीचे लेकर आता हूँ सब्सक्राइब अस से ऊपर, सब्सक्राइब अस से ऊपर रख देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सेविंग में थोड़ा सा टाइम लेगा। सेव करने के बाद जी अब हम अपने ब्लॉग को देखेंगे। मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ़्रेश करते ही यहाँ पर देखें डोमेन फॉर जस्ट 99 सेंट्स और यहाँ पर आप लोगों का ये एड्स यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है। सेम इसी तरह आपको लैंडस्केप एड्स भी मिल जाएंगे जो कि आप लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर लगा सकते हैं। इट्स टोटली टोटली अप टू यू कि आप कौन सा एड्स लगाना चाहते हैं या उसका क्या तरीका कार है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक और ऐड लगाता हूँ। मैं यहाँ पर चलता हूँ ऐड कोड के ऊपर, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपना सारा कोड पेस्ट करके सेव कर दूँगा, ठीक है। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा ना तो मेरा यहाँ पर वो कोड जौन सा है मेरा यहाँ पर भी अपडेट हो चुका होगा। तो लेट्स सपोज मैं अभी यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, देखते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए आप लोगों को हाई परफॉर्मेंस वर्डप्रेस होस्टिंग डैट जस्ट वर्क का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये आप लोगों को ऐड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों का ऐड यहाँ पर भी लग चुका है। इट्स अकॉर्डिंग टू यू कि आप लोग कौन सा ऐड शो करवाना चाहते हैं। अच्छा, मैं इस भी ऐड को अपडेट करता हूँ, इसकी जगह पर भी मेरे पास यहाँ पर मज़ीद एड्स आ गए हैं, ठीक है। मैं इन एड्स में से कोई ऐड लगा लेता हूँ जो कि स्क्वेयर हो ताकि आप लोगों को प्रॉपर नज़र आ सके। यहाँ पर डिफरेंट एड्स आ रहे हैं जैसे 300x250 का ऐड है, तो मैं लेट्स सपोज ये वाला ऐड लगा लेता हूँ, ये वाला। इसका कोड मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैं कोड अपडेट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये भी सेव हो जाएगा, आप लोगों का ये ऐड भी वहाँ पर शो होने लगेगा। तो अभी वेट करते हैं। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो जी डोमेन फॉर जस्ट 99 सेंट्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर गेट जेनेसिस का ऑप्शन भी मिल रहा है और यहाँ पर आप लोगों का ऐड भी लग चुका है। कोई भी क्लिक करेगा तो वो इसके ऊपर चला जाएगा और जाकर वो बाय कर लेगा। सिंपल सा है, आप लोगों के एड्स भी शो हो रहे हैं, सब कुछ आप लोगों का लाइव आ रहा है और आप लोग इसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को एक डिटेल ट्यूटोरियल इसी तरह का वर्डप्रेस के लिए भी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। अभी के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।